हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इंडिका हेयर कलर का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और दोस्तों, इस हेयर कलर को मैं शैम्पू के बिना आपको कैसा रिजल्ट देता है ये बताऊंगी, और शैम्पू अगर आप कर लेते हैं तो कैसा रिजल्ट देता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये है इंडिका क्रीम हेयर कलर। वर्क्स इन 10 मिनट्स, 100% ग्रे कवरेज देता है, लॉन्ग लास्टिंग कलर है, नो एमोनिया है, विद वॉनलेट एंड सिल्क प्रोटीन्स के साथ। और मेरी जो शेड नंबर है ये है डार्केस्ट ब्राउन 3। तो मैं यहाँ पर दो सेशे इसके मैंने परचेज किए थे, आप देख सकते हो। ये डार्केस्ट ब्राउन है, कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और मुझे इस तरीके के ब्राउन कलर के शेड बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, सभी चीजें इसके पर मेंशन की गई हैं। प्राइस की मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो ये है 30 रुपीज की प्राइस में मिलता है, लेकिन वैसे आपको डिस्काउंट में ये मिल जाएगा 25 रुपीज में। और मुझे भी ये दोनों पाउच 50 रुपीज के प्राइस में मिल गए थे, यानी कि एक पाउच मुझे 25 रुपीज का मिल गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और आपको इसे अपने बालों में अप्लाई कर भी दिखाती हूँ। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये इस तरह की पैकेजिंग में है। ये देखिए, आपको कलरेंट मिल जाता है इसमें और ये है डेवलपर। तो ये दोनों ही सैशे हैं और ये देखिए यहाँ पर मार्क भी बना हुआ है। इस तरीके से आपने यहाँ से इसे कट कर लेना है। इसके अंदर आपको एक ही पेपर भी दिया गया है जिसे आपने अच्छे से रीड कर लेना है अगर आप इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो। और जैसा कि मैं भी आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी कलर को अप्लाई करते हैं तो उस पर जो भी प्रिकॉशंस लिखे होते हैं तो वो आपने जरूर रीड कर लेने हैं। तो चलिए, मैं इन दोनों चीजों को एक प्लास्टिक बाउल में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। एक चीज और बता देती हूँ दोस्तों, कि जब भी आप कोई हेयर कलर अप्लाई करते हैं या मिक्स करते हैं उसे, तो आपने उसे मिक्स करना है प्लास्टिक के बाउल में या फिर कांच के बाउल में। मेटल का कोई भी बाउल वगैरह आपको यूज नहीं करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने एक ही प्लास्टिक का बाउल ले लिया है और एक प्लास्टिक का ही मैंने स्पून लिया है। तो चलिए, मैं इस कलर को इसमें डाल लेती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसके ऊपर कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे कि पुट ऑन हैंड ग्लव्स, स्क्वीज आउट द एंटायर कंटेंट फ्रॉम द कलरेंट एंड डेवलपर सेकेट्स इन टू अ नॉन मेटेलिक बाउल एंड मिक्स वेल। अप्लाई द मिक्सचर ऑन टू वॉश एंड ड्राइड हेयर, लीव इट ऑन फॉर 10 मिनट्स। रिंस हेयर थ्रोली विद वाटर फॉर लॉन्गर हेयर, यू मे नीड मोर देन 1 पैक। तो ये सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं और आपने इसे अप्लाई करना है सूखे बालों में और वॉश किए हुए बालों में। बालों में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। तो इसका कलर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है, येलो कलर में है ये क्रीम इसकी, आप देख सकते हो। तो ये देखिए, मैंने कलरेंट को इसमें ऐड कर लिया है। तो देखिए, मैंने इस बाउल में इसे निकाल लिया है। अब अच्छे से मैं इसे स्पून की हेल्प से मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी कर लीजिएगा, बट आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि नहीं तो आपके हाथ जो है वो गंदे हो जाएंगे और ब्लैक ब्लैक से होने लगते हैं, आपको जैसा कि पता ही होगा। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से कलर को मिक्स कर लिया है। और जब मैंने इस कलर को मिक्स कर लिया था, जब मैं इसे फिंगर की हेल्प से अभी लगा रही हूं, तो ये काफी हीट हो गया है, मतलब गर्म हो गया है ये कलर, आप इसे बोल सकते हो। इससे पहले मैंने जितने भी हेयर कलर यूज किए हैं तो उनमें इस तरह की गर्माहट नहीं थी, लेकिन जब मैं इस कलर को अभी यहां पर लगा रही हूँ फिंगर की हेल्प से, तो यस, ये थोड़ा सा गर्म लग रहा है मुझे। जब भी आप कोई हेयर कलर या डाई का उपयोग करते हैं तो उसको कभी भी अपनी आईब्रोज पर ना लगाएं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपको अंधापन भी हो सकता है। जी हाँ, इससे आपकी आईज की रोशनी भी जा सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी भी कलर को या हेयर डाई वगैरह को अपनी आईब्रोज पर ना लगाएं। आज मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहती हूँ कि किन किन लोगों को कलर करवाना चाहिए बालों में और किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। तो जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, यानी कि सांस की कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की इन्फेक्शन है या बालों में कोई इन्फेक्शन है, तो वो लोग भूलकर भी परमानेंट हेयर कलर को ना अपनाएं। कभी भी नहीं करवाना चाहिए उन्हें परमानेंट कलर। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है या जो माताएं दूध पिलाती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो उन लोगों को भी परमानेंट हेयर कलर या डाई वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कलर करना ही चाहते हैं तो इसमें आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर लीजिएगा।
और यहां पर आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि आपने पूछा था कि क्या ये हेयर कलर व्हाइट हेयर को भी कलर करता है, तो जी हाँ, ये आपके व्हाइट हेयर है या ग्रे हेयर की आपको प्रॉब्लम है तो ये उसे अच्छे से कलर कर देगा। लेकिन ये सबके बालों का टेक्सचर अलग अलग होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और सबके बालों का जो नेचुरल कलर होता है वो भी अलग होता है, तो इसलिए हो सकता है आपको सबके बालों पर इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा अलग दिखे। और अब मैं इसे सिर्फ 10 मिनट तक लगाकर रखूंगी और उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी। और इसके बाद आपने कोई भी कंडीशनर वगैरह या शैम्पू को अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ठंडे पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। और जैसा कि मैं आपको हमेशा अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट यूज करते हैं या पहली बार यूज कर रहे हैं तो उसका पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा कि कहीं उससे आपको कोई ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या आपकी स्किन रेड हो गई है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा और उसे स्किन पर से हटा दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर ये वाली जो आप क्लिप देख रहे हो दोस्तों, इसमें मैंने शैम्पू नहीं किया है क्योंकि जैसा कि इस पर मेंशन किया हुआ है कि आपने शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ ठंडे पानी से ही बालों को वॉश करना है नॉर्मल पानी से, तो मैंने ऐसे ही वॉश किया है। तो इसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। मैं बता देती हूँ कि जब मैंने इसके साथ शैम्पू नहीं किया था तो मुझे मेरे बाल थोड़े हैवी लग रहे थे और जैसे चिपचिपे से बाल लगते हैं तो थोड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कि मैंने कुछ ऑयल वगैरह लगा लिया हो बालों में। तो नेक्स्ट डे शैम्पू करने के बाद दोस्तों मेरे बालों में जो रिजल्ट आया वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, रिजल्ट तो आपने देख लिया है और मुझे ये हेयर कलर यूज कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। बट हाँ, ये आपके व्हाइट और ग्रे हेयर को अच्छे से कलर कर देगा। और जब मैंने अपने बालों को वॉश किया तो ये जैसे कि हिना आपके बालों से निकलती रहती है, हिना का पानी निकलता रहता है ना, हिना के कलर का, तो वैसे ही इस हेयर कलर का भी पानी इस तरीके से इस कलर में निकल रहा था बालों में बहुत ज्यादा। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि नॉर्मल सी बात है, मैंने बहुत अच्छे से बालों को वॉश किया था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें जो पानी है वो निकलता जा रहा था। जैसे कि हम मेहंदी लगाते हैं अपने बालों में तो मेहंदी लगाने के बाद भी हमारे बालों में क्या होता है कि पानी टपकता रहता है हिना के कलर का ही, जो मेहंदी का कलर होता है उस कलर का। तो ऐसा ही कुछ इंडिका हेयर कलर के साथ भी है। ये इंडिका हेयर कलर मुझे इसलिए भी पसंद नहीं आया कि आप देख सकते हो ये मेरा टॉवल है व्हाइट कलर का है और इस पर ये देखिए कैसे इसने दाग छोड़ दिए हैं। तो और मेरे कपड़े जो मैंने पहने हुए थे, टी शर्ट पहनी हुई थी, उस पर भी इसने इस तरीके से ही दाग छोड़े हैं, तो इसलिए मुझे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो आप भी इसे जब यूज़ करें तो बहुत ही देख कर यूज़ कीजिएगा और बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ कीजिएगा। सो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians.